बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामिया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पेपर हमने शुरू किया था, आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली पार्ट और दूसरी पार्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ तारा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल्स पर जाइए और वहाँ देखे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हमने इसमें भी 10 एमसीक्यूज डिस्कस किया गया है, जो कि हर एमसीक्यूज के साथ हमने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जो कि इससे भी आपका तकरीबन 7 या 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लियर होंगे। और मैं उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह टेस्ट में आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं होंगे और आप बड़े आसानी से अपना टेस्ट क्लियर करेंगे। हमारा तारा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर किया करें, हमारी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इससे कुछ हासिल कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज का 21 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम वुमेन टेक पार्ट इन द बैटल ऑफ, पहली बार मुसलमान हवातीन ने देश के जंग में हिस्सा लिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जंगे उहुद में पहली बार मुसलमान हवातीन ने हिस्सा लिया था। अब हम इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, जिससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। ये वमेन जो थे, ये मुसलमान हवातीन जो थे, इनका किरदार इस जंग में प्यासों को पानी फराहम करना और जख्मियों की देखभाल करना था। नुसैबा बिन्त काब, नुसैबा ने जंग उहुद में हिस्सा लेने वाली सबसे बावकार खातून के तौर पर शोहरत हासिल की, लेकिन लड़ाई में इनकी शिरकत इस जंग के साथ ख़त्म नहीं हुई। वो बहुत से मौक़ों पर मौजूद थे, जैसा कि उकबा, हुदैबिया और जंग हैबर और हुनैन में भी ये औरत शामिल थी। जंग उहुद जो है, ये हफ्ता 23 मार्च 625 ईस्वी सत शवाल 3 हिजरी को मदीना के करीब को है उहुद के शुमाल में एक वादी में लड़ा गया। अबू सुफियान कुरैश का सरदार था। कुरैश की फौज की तादाद 3000 थी, जिनके पास 3000 ऊंट भी थे और 200 घोड़सवारों से लैस थे। पैगम्बर इस्लाम की क़्यादत में मुसलमानों के पास 700 प्यादा फौज थी, जिसमें 50 तीरंदाज और 4 घुड़सवार थे। अब हम इस क्वेश्चन की मजीद तफसील पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये कुरैश का जो राइट विंग था, ये खालिद बिन वलीद कंट्रोल कर रहे थे, जबकि कुरैश का लेफ्ट विंग जो है, ये अकरमा बिन अबी जहल कंट्रोल कर रहे थे। और जो कि बैरियर जो था, जो प्लग बैरियर जो था, जो झंडा जिनके पास था, इनका नाम था बनी अब्दुद्दरार यानी तलहा था, इनके पास कुरैश का झंडा था। ये भी अहम क्वेश्चन है। मुसलमानों को शोरों में मालूम नहीं था कि कुरैश बदला लेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ये मालूमात मुसलमानों को फराहम की थी कि वो जंग के नियत से आ रहे हैं। इसकी फौज की तादाद 3000 थी, जिसमें पंद्रह हवातीन भी थे, जबकि अब्दुल्ला इब्न अबी के 300 आदमियों के बाद मुसलमानों की फौज जो है वो 700 रह गए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को तीरंदाजों का कमांडर मुकर्रर किया, जो कि उहुद के दिन मुसलमानों के जो तीरंदाज थे वो 50 थे, जिनका सरबरा यानी कमांडर वो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लें कि इनकी तादाद 50 थी तीरंदाजों की, और इनकी निगरानी जो थी, इनका कमांडर जो था, जो लीड कर रहा था, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। मुसलमानों का झंडा जो था, ये भी अहम क्वेश्चन है कि हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में था इनकी वफात के बाद, फिर ये झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। इस जंग में कुल 12 मुसलमान हवातीन थी। मुसलमान हवातीन की तादाद 12 थी, जबकि कुरैश की हवातीन की तादाद 15 थी। ये अहम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस जंग में कुरैश के 22 लोग मारे गए, जबकि हज़रत हमजा और हज़रत मसअब बिन उमैर के साथ 70 सहाबा शहीद हुए, 4 मुहाजिर और बाकी अंसार थे। या इब्न असीर के मुताबिक जंग उहुद में मारे गए 85 मुसलमानों के नाम बताते हैं, इनमें से 75 मदीने वाले और इसमें 43 जो है वो बनु हजरज और 32 जो है ये बनु औस के
بنی اوس سے تعلق رکھتے تھے اور 10 مہاجرین مکہ سے تھے۔ مزید یہ کہ احد کے 85 شہداء میں سے 46 نے بدر کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس جنگ پر سورۃ آلہ عمران کے ساتھ آیات نازل ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ اس میں جو اہم موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو نوٹ کر لیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف۔ ہوم ڈیڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپوائنٹڈ ایز کسٹوڈین آف دا بیت المال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا نگران کون مقرر کیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا بیت المال کا نگران۔ اب ہم اس کی شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں مرکزی خزانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن ارقم کو ٹریجری آفیسر مقرر کیا گیا۔ ان کی مدد عبد الرحمن بن عوف اور مقیب نے کی۔ اکاؤنٹس کا ایک الگ محکمہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اکاؤنٹس کا محکمہ پہلے کس نے مقرر کیا گیا تھا؟ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور اسے خرچ ہونے والے تمام اخراجات کا ریکارڈ رکھنے کی ضرورت تھی۔ بعد میں صوبوں میں صوبائی خزانے قائم کی گئی۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ آزان واز فرسٹ کال آؤٹ ان، آزان سب سے پہلے دیش میں دی گئی، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، پاسٹ ہجری میں۔ بلال ابن ربا الحبشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی تھے، اور اس طرح اسلام کے نئے ابھرتی ہوئی مذہب میں سب سے قدیم مذہب تبدیل کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ وہ مسلم عقیدے میں پہلے مؤذن بھی تھے، یعنی سب سے پہلا مؤذن جو تھا اسلامک ہسٹری میں، تاریخ میں، تو وہ حضرت بلال ابن ربا الحبشی ہی پہلے مؤذن ہے اسلام کے۔ ربا افریقی نسل کا پہلا شخص ہے جو مسلمان ہوا۔ وہ ایتھوپیا یعنی حبشی کا ایک سیاہ فام افریقی غلام تھا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا۔ اس کی آقا کا نام امیہ بن حلب تھا، اور بلال نے 615 میں اسلام قبول کیا۔ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کے آقا کا نام امیہ بن حلب تھا اور بلال نے 615 میں اسلام قبول کیا تھا۔ یہ شارٹ ایکسپلینیشن اس کوشچن سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے اور اس کو یاد کرنا ضروری ہے، اس کو یاد کر لے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ The order of hijab for women revealed in، عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیش میں نازل ہوا، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 4 ہجری میں۔ اب اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے خطاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے نظریں نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ قرآن پاک میں حجاب کے بارے میں آیات جو ہے وہ سورۃ النور اور سورۃ احزاب میں آئے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیبلش دا ڈپارٹمنٹ آف دا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیش کا محکمہ قائم کیا، تو اس کا پہلا آپشن ایجوکیشن سے، دوسرا آپشن پولیس ہے، تیسرا آپشن جو ہے وہ فائننس ہے، اور تیسرا چوتھا جو ہے وہ آل آف دیز۔ تو اس کا کریکٹ آپشنس ہے آپشن نمبر ڈی، آل آف دیز۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنس پہ چلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمان خلیفہ تھے، اور انہوں نے 634 سے 644 عیسوی کے دوران حکومت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قبیلہ بنو عادی میں پیدا ہوئی، یعنی ان کا تعلق بنو عادی سے تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ ان کے والد خطاب بن نبیل، اور اس کا جو مدر تھا، اس کا جو ماں تھا، اس کا نام تھا ہنتمہ بنت ہشام، اور اس کا تعلق جو تھا وہ بنو مخزوم سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درزیل ادارے قائم کی، بیت المال یعنی پبلک ٹریجری، عدالتیں اور ججوں کی تقرری، محکمہ جرائم اور پولیس، فوجی محکمہ اور محکمہ تعلیم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔
which companion of the Prophet ﷺ mentioned in the Holy Quran? Quran Pak mein Rasool Akram ﷺ ke kis sahabi ka zikr aaya hai? To iska correct option hai option number D, Hazrat Zaid bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu ka. Hazrat Zaid bin Haris Huzur Pak ﷺ ki le palik baithi thi, yani adopted son tha, yani kood li hui baithe the आप सल्लम के. वो हमारे हुजूर पाक सल्लम के वाहिद सहाबी है जिनका नाम कुरान पाक में आया है. इनका नाम सूरत अहज़ाब के आयात नंबर 37 में मज़कूर है. ये भी अहम पॉइंट है कि किस सूरत सूरत अहज़ाब के आयात नंबर कौन से आयात में आया है. तो 37वां आयात में आया है जिसमें हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इनकी बीवी ज़ैनब बिनते जैश से शादी के बारे में बयान किया गया है. आपकी वफ़ात 50 या 55 साल की उम्र में हुई. बाज़ रिवायतों में 50 है और बाज़ रिवायतों में 55 है. आपको दोनों याद रखना चाहिए. चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु रेंडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कुरान. कुरान मजीद का पहला अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रोज़, यानी अलेक्जेंडर रोज़ ने सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा इंग्लिश में किया था. ये जो पहली तर्जुमा कुरान मजीद का किया था वो अलेक्जेंडर रोज़ ने किया था 1649 में. और ये किंग चार्ल्स वन के पादरी थे, यानी ये जो अलेक्जेंडर रोज़ था ये किंग चार्ल्स वन के पादरी थे. उन्होंने प्रिंस ट्रांसलेशन से, उन्होंने प्रिंस ज़ुबान से इंग्लिश ज़ुबान में ट्रांसलेट किया था. अगर हम देखा जाए तो कुरान मजीद का सबसे पहला यूरोपियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो लैटिनी यानी लैटिन ज़ुबान में हुआ है 1143 में. और ये किसने किया था, ये रॉबर्ट कैटन ने एबट ऑफ क्लूनी के एडवाइस यानी हुक्म पर किया था 1143 में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द डे ऑफ सेक्रीफाइस ड्यूरिंग हज इस कॉल हज के दौरान कुर्बानी के दिन को क्या कहते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए योम नहर. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं. इस दिन को कुर्बानी के जानवरों की कसीर तादाद की वजह से योम नहर यानी योम कुर्बानी कहा जाता है. अगर आप चाहें तो इन सब को 10 जुलहज्जा को अंजाम दे सकते हैं या 10 तारीख को तुलू आफ्ताब के बाद और 12 तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले किसी भी वक्त अंजाम दिया जा सकता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु प्रिडिक्टेड दैट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी ए प्रॉफिट. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की पेशेंगोई किसने की. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बहीरा ने. अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं. हकीकत ये है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपन में थे तो अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारती सफ़र पर शाम गए थे. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि कहाँ पर गए थे, शाम की सफ़र पर गए थे. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे जब वो अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हुए. बसरा में क़याम के दौरान इनका सामना एक ईसाई राहिब बहीरा से हुआ जो अपने तिजारती रास्ते के साथ एक पनागाह में मुकीम था. बहीरा ने अपने चचा अबू तालिब के साथ सफ़र के दौरान एक नौजवान यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की निशानियां पहचान ली कि वो नबी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की निशानियां पहचान ली कि वो नबी यानी पैगंबर है. उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये इसका मजीद जो एक्सप्लेन हमने किया है ये इस स्लाइड में मौजूद है. ये वाकया मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब आल हराम में जिब्राइल के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिताम होफजदा हुए और तसल्ली के लिए हदीजा के पास गए. हदीजा उसे अपने कज़न वर्का बिन नवापिल के पास ले गए जो कि सहीबों के इल्म के लिए मशहूर थे. वर्का बिन नवापिल ने नबूवत की निशानियों को पहचान लिया और तस्दीक की कि जो फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया
था, वो वही फरिश्ता है यानी जिब्राइल था जो आपसे पहले दूसरे अंबियाओं के पास आया करता था। याद रखना कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा आप सल्लम को अपने सीने से लगाया था। चलते हैं आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद शहदा इज़ द टाइटल ऑफ सैयद शहदा का लकब किस सहाबी का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सैयद शहदा यानी शहदाओं की सरदार हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग उहुद में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में सबसे ज़्यादा क़ुरबानी देने पर सैयद शहदा का खिताब दिया गया। उहुद में हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिंद बिन्त उतबा के ग़ुलाम वहशी इबन हर्ब ने कत्ल किया यानी शहीद किया। ये जो है सैयद शहदा, ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशहूर तरीन सिपातों में से भी एक सिपात है लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उम्मीद है कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आए होंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपके टेस्ट में इनसे ज़रूर जो है क्वेश्चन आएंगे हमारे इस सीरीज जो है तकरीबन 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इन 5 पार्ट से आपके लिए इंशाल्लाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है हमने डिस्कस किया है और इससे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो ज़रूर आपके टेस्ट में आएंगे, जो कि हमने आपको बार बार बताया है कि इसको नोट कर ले, इसको याद कर ले, आने वाले टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग तारा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल। तारा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि न्यू अपडेट जो है आपको बरवक्त मिल सके। हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्द आप तक मैं पहुँचाऊँगा और यहाँ पर तारा एमसीक्यूज चैनल जो है इसके थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।